इनकी तबीयत खराब है, इनकी इनकी छोटू लाल की तबीयत खराब है, आपको देख के लग रहा है मिलना नहीं हो रहा है। हेलो नमस्ते, जय माता दी दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। कल रात को 3:30 बज गए सोते सोते यार, और बच्चे की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं तो 3-4 बार उठे। हाँ पापा, ये पापा जे करके आ रहे हैं, चाय टोस्ट खाएंगे। तो मालवीय जी तो फटाफट 9:30 उठे, तैयार होके नहा के चले गए आरती में, क्योंकि आरती का सामान उनको लाना होता है, फूल मिठाई, इसलिए वो चले गए। हमको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो वो आएंगे तो चाय बना देते हैं। गीत के लिए भी नाश्ता समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं, नहीं तो इनको बोला है अगर फ्री हो जाओ तो कॉल करना, बाहर से ले आओ, आज भूख भी बहुत तेज लग रही। कल खिचड़ी बनाई थी पर मैंने नहीं खाई, और अगेन बच्चे 5+ हो गए तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है मुझे, क्या डालूं चाय पत्ती यार, बर्तन वर्तन भी फैले हुए हैं, कल कुछ हुआ भी नहीं। काश मैं आपको सब कुछ बता सकती, आप लोग मेरे घर आते मैं आप लोगों को बताती। बैठो बोलो क्या बात हुई, कल रात तो साथ ही थे। चलो फालतू बातें बाद में करते हैं, काम करते हैं अभी। और रीत पुत्र मैंने कल कपड़े नहीं बदले यार, बहुत लेट हो गया था, और अच्छे कपड़े हैं ये, दीक्षा जी ने दिए हैं अच्छे कपड़े हैं ये, इसे पूरा ये तो हटा दिया अभी नीचे का मैंने, ये चेहरा वगैरह सब कवर है। क्या हो गया रानिक, क्या हो गया, क्या हो गया, मस्ती को बच्चा है तू, मस्ती को बच्चा है, ले कुछ बच्चा है क्या। दोस्तों गीत को स्कूल नहीं भेजा है क्योंकि अभी बहुत वायरल सा फैल रहा है वो, दूसरों उसको जल्दी, उसकी इम्यूनिटी कम है, जल्दी उसको खांसी वगैरह हो जाती है। मतलब आप समझ लीजिए 24 घंटे में अकेले ही बच्चों के साथ कैसे मैनेज कर रही हूँ मुझे नहीं पता है बिल्कुल भी, खुद मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अब मान लीजिए को बोलना ही पड़ेगा कि बस हो गया यार, जो करना था कर लिया, अब आ जाओ घर पे। लाडो रानी आज कोई भी नहीं आया है हम तीनों चारों में, क्यों काम ऐसा सर ऐसा दुख रहा, तबीयत खराब है, तबीयत ठीक नहीं है। गीत की, रीत की ठीक है, मीत की ठीक नहीं है, मेरा भी सर उसकी मम्मी की ठीक नहीं है, नजर लग गई मुझे लग रहा है। पापा दोस्तों मैं आपको इतनी प्यारी सी फोटो दिखाऊंगी, आई होप उस फोटो से किसी ऑब्जेक्शन मैं हूँ, मतलब मैं अपनी फोटो दिखा रही हूँ किसी और की नहीं। मुझे बहुत ज्यादा सामान था तो मैंने कहा कि मैं मतलब फूल वगैरह ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, मैंने कहा मुझे दे दीजिए। मालो जी मेरी थी ना झोली फैलाई हुई फोटो, हाँ डाली तो मैंने, मम्मी 25 फोटो में है। मैं मतलब इतना खुश हो गई थी वो देख के, मेरे को बहुत अच्छी लगी ये फोटो, ये देखिए मैं कितनी खुश हूँ, मैं भगवान है सामने, उनके सामने झोली फैलाई हुई है मैंने, और पीछे सब लोग खड़े हाँ, और पीछे वालों को लग रहा है कि उनकी फोटो खींच रहे हैं, हालांकि मैं खींच रहा था पर रचना आ गई उसके बीच में, क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरी खींच रही है, मैं भी तो पीछे वालों खींच रहा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि आगे, क्योंकि वो एरिया बड़ा है ना उसमें, मैं आगे गलती से मुझे नहीं आना था फोटो, क्योंकि मैं किसी फोटो में नहीं आती, हाँ मैं चाहती थी उन्हीं लोगों की खींचे, मैं नहीं आती, मैं अपना काम कर रही थी। हटा देंगे, रिमूव कर देंगे तेरे को, बस फोटो देख कैसे देख रही, मीत देख कैसे देख रही, मम्मा है ना, मम्मा देख कैसे देख, मम्मा माता रानी तो स्वयं मेरे पास है, मुझे किस चीज की जरूरत है माँ, किसी चीज की जरूरत नहीं है। निष्ठा ए निष्ठा, मीत अभी तो नहीं समझते, अब देख वैसे फोटो देख रही, बस मम्मी को देख रही है, देख कैसे देख रही थी। फ्रेंड्स ये दोनों हो गए तैयार, और मेरे को इनको तैयार करते टाइम भी ऐसे झोंके आ रहे थे नींद के, मैं आपको बता नहीं सकती। तो भाई अब मैंने कुछ फैसला लिया है और मैं आप लोगों से वो फैसला शेयर करना चाहती हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया वो फैसला, बुरा मत मानेगा। भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गया काम, मैं जा रही हूँ सोने, मैंने गीत को भी बोल के थी खाना का हैंड वॉश किया, खाना कहा, अपन सोएंगे मस्त पेल के आराम से, घोड़े बैठ के सोएंगे अपन, टेंशन नहीं फालतू की काम वाम की, चलो हम तो जा रहे हैं सोने फ्रेंड्स, बाय। मालवीय जी बेचारे काम कर रहे होंगे, अपन तो चले सपनों की दुनिया में। फ्रेंड मैंने आपसे कहा था मैं सोने जा रही हूँ, पर मेरे बच्चों ने मुझे सोने दे दिया, और मैं 6 बजे नहाई हूँ, देखा आपने मेरे बच्चों को, मुझे टाइम देना पड़ता है बच्चों को, दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं, भूख बढ़ रही है, और इनके साथ प्ले टाइम बढ़ाना पड़ रहा है मुझे,
और पिताजी के साथ ये देखो, इनकी तबीयत खराब है, इनकी इनकी छोटू लाल की तबीयत खराब है, आपको देख के लग रहा है। पापा से मिलना नहीं हो रहा है इसलिए तबीयत खराब है थोड़ा जी, दूर से पापा गोद में नहीं ले रहे पापा। तो दोस्तों कैसा लग रहा है, देखो ये व्यू कितना सही लग रहा है, ये क्यों डाका है मैं आपको बता सकता है कि हम दोनों नंगू नंगू है बच्चे और पापा। मैं तो हैंड वॉश करके कपड़े बदल के टॉवल लपेटा हुआ है मालवीय जी ने, कपड़े बदल के जा रहा था नीचे पूजा में, मगर ये बच्चा इतना प्यारा है और गोदियों के लिए रो रहा था तो मैं ले लो, और अब देखो कितना मस्त है। तो मेरा पुचड़े घर आ जा, रचना को डर है दोस्तों घर आ जा, नादान परिंदे घर आ जा। दोस्तों किस चीज का डर है मुझे बताना, किस चीज का डर है कि पति कहीं हाथ से ना निकल जाए। अच्छा निकल चुका है ये हाथ से, निकल चुका है। नादान परिंदे घर आ जा, नादान परिंदे मैं जा चुका हूँ, सामने वालों को हिंट दे दिए मैं भी हूँ जा। आपको क्या लगता है मालवीय जी जा चुके हैं मेरे हाथ से? तो नमस्कार, आ गए ऑफिस से घर और जा रहे हैं नीचे पूजा में, आज एकादशी है। हाँ बर्थडे हट गया, तो खाटू श्याम जी की ज्योत जलेगी और भजन संध्या है उनकी, तो चलते हैं देखते हैं क्या हो पाता है, कितना रिकॉर्ड कर पाते हैं। मजे बहुत कर रहे हैं, थकान भी बहुत हो रही है, जितनी जिम्मेदारी उतना एहसास भी है उस चीज़ का। तो आओ चलते हैं नीचे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और आशीर्वाद तो है वो गणपति गजानन महाराज की, ये तो साफ दिख रहा है, बहुत जल्दी दिखने लगा है, मान जाए हमेशा के लिए यार, तो ज़िंदगी बन जाए, तीन बच्चों को अच्छी शिक्षा और सब कुछ दे सकूँ मैं, ये अभी मनोकामना और नेक्स्ट टारगेट यही है मेरा। गीत क्या खा रहे हो, क्या ये दोस्तों गीत खा रही, खिचड़ी साबुदाने खिचड़ी वो चाहिए को। मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरे लिए प्रसाद लाया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया। दोस्तों को साबुदाने खिचड़ी बहुत पसंद है, नीचे से तीन कटोरी आई है, कम लाया। आज एकादशी थी तो खाटू श्याम जी का वो जोत जलाई थी और ये उसका प्रसाद है महाप्रसाद जी के रूप में। ओ फ्रेंड्स मैंने भजन गाया थोड़ा सा, आपने सुना कि नहीं सुना? हाँ, सुन लिया हमने, सुन लिया तो थोड़ा सा। तो दोस्तों देख रहा हूँ कैसा चल रहा है, बहुत मीट पलट गई, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, वो मीट पलट गई, देख रहे पापा मीट हाथ तक जाता रानी, ये देखो हमारी मीट को देखो, देखो हटाओ हटाओ हटाओ, अरे लग जाएगी उसको मीत, लव यू।
ये भी ऐसे रहे, ये भी ऐसे हाँ जी, ऐसे करो, ऐसे करो, करो मेरे दिल के टुकलू, ये टुकलू है क्या, तो टुकलू सब समझती है। अरे ये कौन सो गया, कुछ 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 इसके पीछे वजह बताते हैं। कनाडा में दो प्रमुख पार्टियां हैं, ये तेज और, तो दोस्तों रचना कहना है कि रीत तेज और मीत सीधी है, ऐसा क्यों सीधी है, दिल की टुकड़ी बहुत ज्यादा सीधी होगी, देख देख कितनी सीधी है, अच्छा आओ पुचू, क्या हुआ था, आओ पुचू, मैं आपसे कोई बात नहीं कर रहा, आपसे कोई बात नहीं, यही दिक्कत आ रही मेरे, मैं किचन में कदम नहीं रख पा रही हूँ, आप मानोगे नहीं, क्या बर्तन क्या सामान क्या कुछ नहीं कर पा रही, किचन की हालत दिखा देंगे आप बेहोश हो जाओगे देख के सच में, इनसे बात क्योंकि इनको बात ही करनी है, ये नहीं कि गोद में इतना नहीं है देखा ना, पर इनको बात करनी क्योंकि ये बड़े हो रहे हैं, और किचन की हालत देख लो तो अच्छा से बेहोश हो जाए, महिला तो पागल हो जाएगी, क्या हालत यार ये, क्या मैं क्या करूँ, मैं उठ ही नहीं पा रही, तीन है ना यार, और गीत की भी समस्या है, आयो मामा, आयो मामा, आयो रामा, उधर पुचुक, बस करो भाई सो जाओ, कहना गुड नाइट, दिन भर यही करना पड़ता है, ढाई बजना है, ओ ढाई सौ एक बजने वाला दोस्तों को देखो, दिन भर यही करना पड़ता है भाई साहब, आप तो निकल लेते हैं सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक, जी बहन जी आप सो जाओ, गुड नाइट, बाय बेटा।